अंडर रूट थ्री बाई टू सी वैक्टर, अंडर रूट थ्री बाई टू सी वैक्टर। ठीक। देन फाइंड एंगल बिटवीन मेड बाय ए विद बी एंड सी, मतलब ए का बी के साथ और ए का सी के साथ कितना एंगल बनेगा ये तुम्हें देखना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर लो, ठीक है। तो थ्री क्रॉस वेक्टर मैंने बता रखा है, तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू में बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इनटू में सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू सी वेक्टर। यही होगा तुम्हारे पास। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर दूं, प्लस जीरो डॉट बी वेक्टर। 0 × b वेक्टर कर सकता हूँ ऐसा, ठीक। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर कर लो, है ना। दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आपके पास क्या होगा, इधर तुम्हारे पास देखो b वेक्टर का कंपेयर करो, b वेक्टर का इधर कितना है तुम्हारे पास, a वेक्टर डॉट c वेक्टर, और RHS में b वेक्टर का कॉफिशियंट कितना है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के, कल लिखवा रखा है ना मैंने, दिस इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया तुम्हारे पास, 90। तो देख लो ए और सी में 90 कौन से वाले ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। दूसरा अगर मैं कंपेयर करूँ सी वेक्टर का, अगर मैं सी वेक्टर का कंपेयर करता हूँ यहाँ पे सी वेक्टर का, तो कितना आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू इधर अंडर रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, इसको लिख लेंगे ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है ना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब उसका मॉडुलस क्या है तुम्हारे पास में, 1। ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। ये किसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास, कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री की होती है ना, 150 की। दोनों तरफ कंपेयर करो तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। क्लियर है सबका, चलिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास तीन वेक्टर हैं, ठीक है। उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो तीनों वेक्टर कहाँ पे रहेंगे तुम्हारे पास में, एक ही प्लेन में रहेंगे, जिसको अपन कोप्लेनर कहते हैं, है ना। उसकी कंडीशन क्या होती है, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, यही है तुम्हारे पास में। चलिए, अच्छा ऐसे वेक्टर्स क्या होंगे आपके पास में, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और ऐसे वेक्टर बेसिस को फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, बेसिस को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे लाइन से इसमें नोट करके लिखिए, नीचे लाइन से नोट करके लिखेंगे, लिखिए लिखिए इसके अंदर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लिखिए इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, देन लाइज इन सेम प्लेन, देन उस केस में भी तुम्हारे पास क्या होगा, उन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास में, जीरो होगा। उन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट आपके पास में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कहने का मतलब मान लो ये तुम्हारे पास बी वेक्टर है, ठीक, ये तुम्हारे पास मान लो सी वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास मान लो
ए वेक्टर है, ठीक है। तो तीनों वेक्टर क्या है तुम्हारे पास में, सेम प्लेन में लाइज करेंगे। ये तुम्हारे पास ये प्लेन मान लो, ये तुम्हारे पास प्लेन है, ये तीनों वेक्टर ए के प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मैं बी क्रॉस सी निकाल लूंगा, बी क्रॉस सी, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये समझ में आ रहा है, बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन आएगा, जैसे तुम्हारे पास देखो ये प्लेन है, समझना इसको, जैसे तुम्हारे पास ये प्लेन है, ठीक है, इसमें एक तुम्हारे पास ए इधर है, तुम्हारे पास बी इधर है, बी ये रहा, सी तुम्हारे पास इस तरह से है और ए इस तरह से है। तो अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा तो सिंपली ऐसे घुमाऊंगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तब दो वेक्टर का परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट तुम्हारे पास जीरो ही आता है ना, तुम्हारे पास भाई तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं बोलूँ ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसको क्या लिखोगे आप, ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, तो तुम्हारे पास टोटल कितना बनेगा, ये समझ में आया कि अगर तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपके पास कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, जीरो कैसे हुआ वो समझ में आ गया, बिकॉज ये मैं कल भी बता चुका हूं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो तुम्हारे पास आता है बी वेक्टर का मोड सी वेक्टर का मोड साइन थीटा और यहां पे एन कैप, ये आता है। और एन कैप क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहां से जो डायरेक्शन मिलेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जो कि इसके भी क्या होगी, क्योंकि ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है, ए भी तुम्हारे पास इसी प्लेन में लाई कर रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे आएगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो कितना होगा तुम्हारे पास, जीरो। तो ये कंडीशन एक और क्वेश्चन को बनाती है कि अगर आपके पास में एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स गिवन होते हैं तो उस प्लेन का इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, ये नोट कर लो, इफ ए बी सी लाइज इन सेम प्लेन देन ये तुम्हारे पास जीरो होगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट्स, दैट कंटेन द पॉइंट्स, कंटेन द पॉइंट्स पी P 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 Q 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 R माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 इज इक्वल टू, ठीक। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन A आपके पास है 11x प्लस 5y प्लस 13z इज इक्वल टू 30। ऑप्शन बी है 11x प्लस 7y प्लस 9z इज इक्वल टू 30। ऑप्शन सी है 4x प्लस 7y माइनस 9z इज इक्वल टू 30। एंड ऑप्शन डी है 4x प्लस 11y माइनस 3z इज इक्वल टू 30। ये चार ऑप्शन है भाई। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके पास रख रहा है तो उस इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बताना है, ठीक है, समझना। ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली मैंने क्या किया, एक प्लेन मान लिया ना, ये मेरे पास मान लो कोई एक प्लेन है, ये मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है। इसके कितने पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, मान लेता हूँ पी मेरा ये रहा, क्यू ये है तुम्हारे पास, और आर तुम्हारे पास ये है, ठीक। और एक मैं कोई आर्बिटरी पॉइंट मानता हूँ इसी प्लेन में, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर तीन वेक्टर्स मिल जाते हैं
तो मैं उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, है ना, ए वैक्टर डॉट बी क्रॉस सी से निकाल सकता हूँ, बट मुझे तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट इसमें और कंसिडर करता हूँ, एंड दैट पॉइंट इज आर्बिटरी पॉइंट एंड लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो चौथा पॉइंट मैंने क्या मान लिया, एस कोई पॉइंट मान लिया जो कि इसी प्लेन के अंदर है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हैं, एक्स वाई जेड है। ये समझ में आया, ये जो पॉइंट माना है ये भी इस प्लेन में ही लाई कर रहा है, बाहर नहीं है इसके। अब मुझे कितने वेक्टर चाहिए, तीन वेक्टर्स, तो कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, है ना, इन तीनों में से। जनरली कौन सा करेंगे, पी सबसे पहले आ रहा है तुम्हारे पास में, क्यू भी कर सकते हो, आर भी कर सकते हो। मान लो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, हो गया कितने वैक्टर्स आ गए, तीन वैक्टर आ गए। जैसे पहला वैक्टर हो गया तुम्हारे पास पी एस वैक्टर, क्या होगा, अच्छा ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ठीक, ये तुम्हारे पास x1, y1, z1 है, और ये तुम्हारे पास x2, y2, z2 है। तुम्हें लिखना है ए बी वैक्टर, तो आप कैसे लिखते हो, x2 टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 टू माइनस वाई वन, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ से कैसे आएगा तुम्हारे पास पी एस वैक्टर, x माइनस पी के कौन सा पॉइंट है, पी के टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू आई कैप, उसके बाद प्लस वाई प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे कैप, और तीसरा जेड माइनस वन के कैप, ये हो जाएगा। जल्दी से तीनों पॉइंट निकालो, पी क्यू, पी क्यू कितना होगा, देखो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू हो जाएगा तुम्हारे पास, क्यू पॉइंट है थ्री टू माइनस वन, थ्री टू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू आई कैप, टू माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस थ्री जे कैप, माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू के कैप, कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट पी आर वैक्टर, ये आपके पास हो जाएगा, आर कितना पॉइंट है, माइनस वन थ्री टू, तो माइनस वन माइनस टू यानी कि माइनस थ्री आई कैप, थ्री ये प्लस फोर जे कैप, टू माइनस वन प्लस के कैप, देख लो तीन वेक्टर्स आ गए तुम्हारे पास। ठीक, आप चाहो तो इसको ए नाम दे दो, ए वेक्टर, इसको आप बी वेक्टर बोल दो, इसको आप सी वेक्टर बोल दो। अब तुम्हारे पास एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। जब एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स हैं तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा भाई, ए वैक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक। अच्छा इसको सोल्व करने का तरीका क्या बता रखा है मैंने, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं, डिटर्मिनेंट इसका देखो ए वैक्टर का ये रहा, यानी कि x माइनस टू वाई प्लस वन जेड माइनस वन, बी वैक्टर मतलब वन थ्री माइनस टू, ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री फोर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा, कैलकुलेशन देख लेना।
कौन सा ऑप्शन मिला? ए मिल गया होगा, सोल्व करना आता है ना सबको, या बताना है? देखो एक बता देता हूं मैं, जैसे x माइनस टू ले रहा हूं मैं, तो इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 8, तो कितना हो जाएगा प्लस 8, ऐसा ही होगा। उसके बाद माइनस y प्लस 1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस z माइनस 1, इसको और इसको छोड़ेंगे इस बार तो कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस 9, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेना सिंपली, ऑप्शन ए आपके पास में आ जाएगा। ठीक, चलिए चले आ गए, समझ में आ गया कि कैसे जीरो होता है तुम्हारे पास में। अगर एक ही प्लेन में तीन वेक्टर लाई करते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट तुम्हारे पास हमेशा जीरो होगा। ठीक है, आप देखना, अभी जो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा वहां से क्वेश्चन नेट में 2 से 3 बार आया हुआ है, वो भी 5-5 मार्क्स का। आगे लिखिए इसमें नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, देखिए आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, कितना होगा भाई? हाँ कितना होगा? 1, चेक कर लो ना, जे क्रॉस के आई, आई डॉट आई, 1, ऐसे कोई भी चेक कर लो तुम्हारे पास हमेशा कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में है, अगर एंटी साइक्लिक कर दूंगा तो -1 हो जाएगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इसका, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तुम्हारे पास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे तीनों अगर साइक्लिक में चलेंगे तो। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना ना प्रॉपर्टीज से। लिखिए इफ एनी टू ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ एनी टू ऑफ, इफ एनी टू ऑफ द 3 of the 3 non-zero vectors, non-zero vectors a, b and c, a vector, b vector and c vector, c vector are parallel or anti-parallel, are parallel और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर, देन बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी उस केस में, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इसकी वैल्यू क्या होगी, सोच के बोलना क्या होगी? हाँ जीरो, जीरो नोट कर लीजिएगा, सोचो एक बार जीरो कैसे होगी। देखो मैंने बोला तीनों में से कोई भी दो क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। जैसे पहली चीज, पहली कंडीशन मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो बी वेक्टर पैरेलल है तुम्हारे पास सी वेक्टर, ऐसा है ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो सिंपली क्या हो गया तुम्हारे पास में, ये जीरो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसको लिखूंगा मैं बी सी साइन थीटा, ठीक है ये लिखूंगा, दोनों पैरेलल है मतलब थीटा कितना है तुम्हारे पास जीरो, तो बी क्रॉस सी कितना बन गया जीरो, तो पूरा क्या बन जाएगा जीरो। दूसरा मैं मान लेता हूं, सेकंड मैं ये मानता हूं कि ए पैरेलल है बी वेक्टर के, मैं ये मानता हूं ठीक है। अब समझना जब ऐसा है तुम्हें क्या निकालना है, ये देखो ये डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो अच्छे से,
ये लीजिए, ऐसा ही होगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। अच्छा मुझे बताओ ए और बी की डायरेक्शन किधर है? सेम है, है ना? अगर बी एक्स में है तो ए भी एक्स में होगा। अच्छा अगर मैं बी क्रॉस सी निकालना चाहूँ, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इसकी डायरेक्शन एन कैप, जो कि बी के भी परपेंडिकुलर होगी और जो कि सी के भी परपेंडिकुलर होगी। ऐसा ही पढ़ा है ना अपन ने, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो बी के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ए के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास? जीरो ही आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ठीक, ऐसे ही आप अगर ए और सी लेंगे तो भी तुम्हारे पास में जो रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगा बी क्रॉस सी का, वो एन कैप, जो कि सी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा, उसके कारण भी तुम्हें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट डायरेक्शन जीरो मिलेगा। समझ में आ गया? तो कोई तीन वेक्टर्स है, तीन में से कोई भी दो अगर पैरेलल बन जाते हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो अब इनको रटने की जरूरत नहीं होती है, ये चीजें तुम उस टाइम पे जब एग्जाम में आता है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें एक चीज नोट करके लिखो, एक चीज नोट करके लिखो, देखो मान लो तुम्हारे पास ये कोई एक p वेक्टर है, ठीक, ये तुम्हारे पास कोई q वेक्टर है, ये तुम्हारे पास q वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास क्या है? कोई एक r वेक्टर है। ठीक, और मैं r वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, r वेक्टर इज इक्वल टू एम पी वैक्टर प्लस एन क्यू वैक्टर। m और n आपके पास क्या है? कोई एक स्केलर है, ऐसे मान लो, है ना? m और n तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट या स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा? इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो r वेक्टर है, r वेक्टर लाइज कौन से प्लेन में? पी क्यू प्लेन में। ठीक है ना, यहां से तुम्हारे पास जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन बनेगा तुम्हारे पास में, आर वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि ये आर वेक्टर क्या है? इन दोनों वेक्टर का एक सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन अगर तुम्हारे पास आती है तो मैं क्या बोलूंगा? आर वेक्टर लाइज इन द पी क्यू प्लेन, मतलब पी क्यू से जो बनने वाला प्लेन है उस प्लेन में लाई करेगा तुम्हारे पास में। ठीक है, ये नोट कर लो, ये यूज में आ सकता है आगे। इन द प्लेन, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिख लो इसको, इन द प्लेन ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इससे बनने वाला प्लेन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ये समझ में आया भाई? ठीक है, मेरे पास पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक प्लेन बना रहा है, मैंने एक आर वेक्टर लिया जो कि इन दोनों वेक्टर का सुपरपोजिशन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आर वेक्टर जो है P वेक्टर और Q वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है इसी में ही लाई करेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट लिखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, देखिए इसके अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, समझना इसको, ध्यान से समझना, आसान है, सब समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से समझना। ठीक है, जिसने पहली क्लास ली अच्छे से वो आराम से समझ लेगा। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, ए डॉट सी इंटू में बी माइनस ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर। ये डॉट नहीं है, इंटू में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फाइनली कैसी क्वांटिटी मिल रही है तुम्हारे पास में, ये वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा? ये टोटल क्वांटिटी कैसी है? ये स्केलर, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर? देखो यहाँ पे, बिकॉज ये वाली क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर मिलेगा। ये भी तुम्हारे पास क्या है? एक स्केलर है। एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा तुम्हें? वेक्टर ही मिलेगा। चलिए नीचे नोट डाल के लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, इज ए वेक्टर विच इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, अपन ने देख लिया यहां से, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एंड लाइज इन द प्लेन, एंड लाइज इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लाइज इन द प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये बात देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, समझना है ना, ये बात मैंने कैसे बोली। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही है मेरे पास। अच्छा, ये एक तरह से ये तीनों, ये दो क्रॉस प्रोडक्ट में दिखा रहा हूं, इसको मैं ए बोल दूं और इस पूरे को मैं क्या बोल दूं? पी वेक्टर बोल दूं। तो मैं ऐसे बोल दूं, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? एक तो ए क्रॉस का एंड दूसरा किसका है? बी क्रॉस सी का। ऐसे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? एक तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर का, और इन दोनों से क्या मिलेगा? एक तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो एक उसका दोनों का तुम्हारे पास में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं कोई दो वेक्टर है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, इसको क्या लिखता हूं? पी क्यू साइन थीटा। अच्छा एन कैप क्या होता है? इसकी डायरेक्शन है ना, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस पी के भी परपेंडिकुलर और क्यू के भी परपेंडिकुलर। बताया था मैंने, ये मान लो तुम्हारे पास P है, ये तुम्हारे पास Q है, ठीक है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन P क्रॉस Q की, P की तरफ खोलो Q की तरफ मोड़ो, किधर आई तुम्हारे पास? अब डायरेक्शन जो कि P के भी परपेंडिकुलर है और Q के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना, मैंने यही लिखा है यहां पे, यहां पे मैंने यही लिखा है देखो कि A क्रॉस B क्रॉस C एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A वेक्टर होगा। तो बताओ जब एक मान लो ए का क्रॉस प्रोडक्ट है और एक तुम्हारे पास पी का है, पी क्या है? बी क्रॉस सी, तो इसका जो डायरेक्शन मिलेगा आपको एन कैप वो किधर मिलेगा? क्या परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, वही मैंने यहां पे लिखवाया है कि ये एक वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है? एंड लाइज इन द प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये सही है या नहीं है? लिखा है तो सही होगा, है ना, देखो कैसे सही है। इधर देखो, इसका मतलब तो ये हो गया तुम्हारे पास में, लिख दिया मैंने कि परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंड ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ऐसा ही होता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसका, कि ये जो वेक्टर है ये बी और सी वेक्टर प्लेन में लाई करेगा, कैसे करेगा? देखो आपने क्या फॉर्मूला लिखा? इज इक्वल टू क्या लिखा था? ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर, ऐसे लिखा। अच्छा मुझे बताओ ये कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको? ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसको मैं एम बोल दूं स्केलर। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी मिलेगी? ये भी तुम्हारे पास एक स्केलर मिलेगी। क्यों मिली स्केलर?
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एम बी वैक्टर प्लस एन सी वैक्टर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अच्छा मुझे बताओ, ये जो पूरा इससे जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, मान लेता हूँ वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास पी वेक्टर मिलता है, तो किस ये किसको एक बता रहा है? ये पी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन सी, क्या बता रहा है ये? कि ये जो वेक्टर है बी एंड सी से जो प्लेन बन रहा है उसमें लाई कर रहा है। अभी तो बताया था मैंने, देखो ध्यान से, भूल गए इतनी जल्दी? देखो यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारे पास बता रखा होगा, देखो ये बता रखा कि ये जो आर वेक्टर है ये P वेक्टर एंड Q वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसमें लाई कर रहा है। तो R वेक्टर बराबर ये है, उसमें क्या था तुम्हारे पास में? P वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर तुम्हारे पास B एंड C है, तुम्हारे पास है ना वेक्टर की जगह B एंड C है। तो इसका मतलब कि जो A क्रॉस B क्रॉस C है वो B वेक्टर एंड C वेक्टर से जो प्लेन करेगा बनेगा उसमें लाई करेगा। ये समझ में आया नहीं आया? नोट कर लो इसको। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए एक बार। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बस एक सिंपल चीज़ क्लियर करो, दो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी? दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल स्कूलिंग क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिंपली मैंने एक प्लेन में, एक प्लेन है जो कि दो वैक्टर से मिलकर बनाया है ना, दो प्लेन, एक प्लेन जो बनाने के लिए मुझे दो वेक्टर ही चाहिए। एक मान लो मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास बनेगा, तुम्हारे पास प्लेन, ये P वेक्टर हो गया, ये Q वेक्टर हो गया, इससे एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर लेता हूं जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये वेक्टर भी क्या है? इस प्लेन में लाई कर रहा है। किस प्लेन में? जो कि P और Q से मिलकर बना होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू एम पी वेक्टर प्लस एन क्यू वेक्टर, ठीक है। एम और एन कॉन्स्टेंट है, स्केलर इसको बोल सकते हो आप। तो ये दो तीन चीजें याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। चले आगे, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, पहला लिखिए इसमें, पहला लिखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। इक्वल होगा दोनों? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? शिव नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अभी आपने ही तो बोला, देखो इधर, ये जो वेक्टर तुम्हारे पास बनेगा, सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी। मैं क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, अभी अपन ने चेक किया था ना, ठीक है। साथ में लाइज इन प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसका बताओ जल्दी से, इसका डायरेक्शन किधर होगा? मुझे इतना पता है इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होगा एंड लाइज इन प्लेन ए वेक्टर एंड, तो कहां से इक्वल हो गया? डायरेक्शन भी इक्वल नहीं आ रही तुम्हारे पास में और प्लेन भी तुम्हारे पास अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जबकि जो स्केलर प्रोडक्ट था इसका, वो तुम्हारे पास क्या था? पी वैक्टर डॉट सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, ये तुम्हारे पास इक्वल था, लेकिन ये तुम्हारे पास इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल लिखवाया था मैंने यहाँ पे, ए वैक्टर डॉट पी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर, बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, ए वैक्टर डॉट सॉरी सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये तीनों इक्वल थे, ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक,
दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई। सोचना नहीं है, सोचोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है? बिना सोचे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओपन कर दो बस, ओनली। हो गया जीरो? यस, वेरी गुड। ठीक, देखो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू में B वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू में C, ऐसा ही है। उसके बाद प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये होता है A डॉट C, यानी कि ये कितना हो जाएगा, B वेक्टर डॉट A वेक्टर इंटू में C वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। हाँ, अच्छा बीच में माइनस आएगा, यस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस इसका करेंगे तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर। ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इधर देखो, इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, क्या सेम है या नहीं है बताओ। ये कैसी क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्टार्टिंग में बताया था डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है जबकि क्रॉस नहीं करता है, तो ए डॉट सी किसके बराबर होगा, सी डॉट ए के। बी को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही देखो ए डॉट बी इंटू सी एंड बी डॉट ए इंटू सी, एक प्लस का एक माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारे पास, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। लिखिए लेट लेट ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड दोनों इक्वल है और वो दो टू के बराबर हैं एंड एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर और इसका मोड ठीक इज इक्वल टू टू k माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर और इसकी पावर हाफ देन k विल बी ऑप्शन ए लिखो
बताइए भाई, सोचना कुछ नहीं है, पेज को मत पलटो, जस्ट वैल्यू रखो बस। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाँ देखो, पी तुम्हें दे रखा है, क्यू तुम्हें दे रखा है, तो यहाँ से पी क्रॉस क्यू निकाल सकता हूँ ना मैं। निकालो पहले पी क्रॉस क्यू, फिर उसका मोड लेके देखो कितना आता है। सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, आंसर फोर या ऑप्शन डी बता रहे हो? ऑप्शन डी, यस डी आएगा भाई, है ना? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी डी बता रहे हैं, यस वेरी गुड। देखो इधर देखो, कैलकुलेशन देखो कहाँ मिस्टेक किया आपने। देखो आपके पास ये गिवन है, पी आपके पास गिवन है, क्यू आपके पास गिवन है, और ये रिलेशन दे रखा है, तो आपको बोल रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, तो यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। देखो जस्ट क्वेश्चन का अप्रोच सीखो, मुझे के इस इक्वेशन में आ रहा है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। अब इसे सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले P क्रॉस Q, P मुझे गिवन है, Q मुझे गिवन है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो P कितना है भाई? A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये कितना है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, A क्रॉस A कितना होगा? ये सबको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारे पास सेम एंगल है, थीटा बराबर जीरो, जीरो हो जाएगा। अच्छा ए क्रॉस बी को सिंपली लिख दो, ए क्रॉस बी, और बाहर क्या है आपके पास? ये माइनस साइन भी आएगा। उसके बाद प्लस बी क्रॉस, लिख सकता हूं ना बी क्रॉस है, ठीक। और बी क्रॉस बी को करोगे तो कितना हो जाएगा? उसको मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस पूरे को, आवाज नहीं, इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस लेके लिख सकता हूं ऐसा इस पूरे को। देखो भाई तुम्हारे पास ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर मैं इसको बी को इधर लेके आ रहा हूं, ए को इधर लेके जा रहा हूं, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
ही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर। ठीक, मुझे क्या चाहिएगा, इसका मोड चाहिए ना, देखो मुझे इसका मोड चाहिए, तो मोड लूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 का 2 ही रहेगा और ये बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर का मोड। अच्छा जल्दी से बताओ, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मोड किसके बराबर होता है, ए बी यही पढ़ रखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 बी ए साइन थीटा। ये समझ में आया। अब इसको जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें रखो, देखो LHS में तो आपके पास यही है P क्रॉस Q का मोड, तो क्या लिखोगे, 2 बी ए साइन थीटा इज इक्वल टू, RHS में क्या है, 2 K माइनस A डॉट B का स्क्वायर और इसकी पावर यही है तुम्हारे पास, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के माइनस, इसको ओपन कर दो, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर हाफ है, टोटल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर चुका ना मैं इधर, तो हट जाएगा अंडर रूट, तो यहां से तुम्हारे पास के चाहिए, के को इधर ही रहने दो, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। अच्छा मोड ए कितना दे रखा है, 2, मोड बी भी कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नोट कर लो। ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसे थोड़े घुमा के देंगे तुम्हें, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि नेट नवंबर 2020 में पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था लेकिन बिल्कुल थ्योरेटिकल उसको बना रखा था, है ना, वो क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सिंपल, अगर तुमने बेसिक से पढ़ा हुआ है तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा घुमा के जरूर देगा। चले आगे, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन मतलब किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, जैसे तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसका क्या करना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन करना है, यही तुम्हें बोल रहा है बस। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, लेट आर टी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट आर वेक्टर टी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टी, ऑफ टी, देन डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आर टी, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आर टी, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आर टी कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, लिखिए डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, ऐसे लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं
लिखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। छोटी क्लास में आपने ये नहीं पढ़ा, वो आपने स्केलर फंक्शन का पढ़ा होगा, अभी बताऊंगा देखो कैसे आया ये, अभी देखेंगे अपन, ठीक है। दिस इज फॉर वेक्टर फंक्शन, ये आर वेक्टर यहां पे क्या है तुम्हारे पास, एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। नीचे लाइन से लिखो फॉर स्केलर, देखो आपने जो पढ़ा है ना छोटी क्लास में वो मैं रिकॉल करवाता हूं, लिखो फॉर स्केलर, फॉर स्केलर, ठीक, फॉर स्केलर। अच्छा फॉर स्केलर की बात करूं तो एफ एक्स मैंने एक स्केलर क्वांटिटी मान ली, ठीक है, ये कोई एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, ठीक। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं जो कि आपने पढ़ा होगा टी एफ अपॉन डी एक्स, उसको आपने छोटी क्लास में ये लिखा होगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा एक्स, जिसको आपने हो सकता है ऐसे भी लिखा होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, पढ़ा है ऐसा, ये कैसे आया कोई बता सकता है, ये कैसे आया कोई बता सकता है, h क्या है टेंस टू जीरो स्मॉल चेंज है। जैसे देखो स्टार्टिंग में मान लो तुम्हारे पास कोई पॉइंट ये है, ठीक है, उसके बाद में मैंने यहां पे तुम्हारे पास पॉइंट x पॉइंट है, ठीक, इसको मैंने h डिस्टेंस इंक्रीज किया तो क्या बन गया तुम्हारे पास में x प्लस h बन गया, ठीक। इसका फंक्शन क्या होगा एफ एक्स, इसका फंक्शन क्या होगा एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। कितना चेंज किया इसमें एक्स में, कितना चेंज किया एच चेंज किया, तो दोनों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन में ये चेंज आया अपोन में एक्स में कितना चेंज आया एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास एच, और एच तुम्हारे पास स्मॉल डिस्टेंस है इसलिए मैं क्या लिखता हूं इसको लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल सिमिलरली जैसा ये है वैसा ये है तुम्हारे पास में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर पॉइंट था, ठीक है, ये टी पॉइंट था, और उसके बाद में कितना पॉइंट हो गया तुम्हारे पास टी प्लस डेल्टा टी, यहां पे फंक्शन क्या है आर टी, यहां पे फंक्शन क्या होगा आर टी प्लस डेल्टा टी, डिफरेंस क्या हो गया इसका डेल्टा टी हो गया, ऐसा ही है। तो इसको फंक्शन को मतलब जो वेक्टर फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको तो लिख रहे हैं अपन, ये तो होता है तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी, दिस इज द चेंज इन फंक्शन, और डेल्टा टी में कितना चेंज हो रहा है टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो कितना चेंज हो रहा है अपॉन डेल्टा टी, ये तो मैंने लिखा है, ठीक है। तो जैसा स्केलर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है सिमिलरली वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए लिखो इसमें, ये नोट कर लो और इसमें लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए इफ आर टी इज इक्वल टू आर टी ना लिखिए आर वेक्टर टी लिख लेना, आर वेक्टर टी इज इक्वल टू आर वन टी आई कैप प्लस आर टू टी जे कैप प्लस आर थ्री टी के कैप। आर वन आर टू आर थ्री क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन ले रहा हूं डी आर वेक्टर टी अपॉन डी टी, तो इसमें क्या आएगा चेंज आएगा टी के रेस्पेक्ट में, इसमें चेंज आ रहा है मतलब किसमें चेंज आ रहा है उसके कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा सिंपली मैं डी आर वन अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी आर टू अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी आर थ्री अपॉन डी टी
केक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी तक हमने स्केलर का, स्केलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, ये अभी मैं वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको बता रहा हूं। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो, एग्जांपल लिखो, मान लो आपके पास कोई आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर आपके पास है कोस टी आई कैप, ठीक, प्लस 3t² जे कैप, ये आपको दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे इस कंपोनेंट में, कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी आई कैप और प्लस 60 जे कैप, ऐसे ही करते हो, यही तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, देखो आपके पास कोई दो वेक्टर है जिनका एडिशन है या फिर माइनस हो रहा है तुम्हारे पास में, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन लेता हूँ, अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो कैसे लिखूँगा इसको, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी प्लस माइनस डी बी वेक्टर अपॉन में डी टी, नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखिए, डी अपॉन डी टी फाई ए वेक्टर, फाई क्या है आपके पास, नॉट ए कॉन्स्टेंट, कोई स्केलर फंक्शन है, कोई स्केलर फंक्शन है, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे दो फंक्शन का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला ऐसे कैसे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे कैसे पहले का, वैसे ही करना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऐसे कैसे डी अपॉन डी टी ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर ऐसे कैसे डी फाई अपॉन डी टी, ठीक, इसको जीरो कर दूं, डी फाई अपॉन डी टी को नहीं होगा जीरो, दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता है ना फाई और ए वेक्टर में, मतलब फाई तो तुम्हें सिंपली ये दे रखा है 3t² फॉर एग्जाम्पल, इतना से दे दिया, स्केलर फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन है बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि तुम्हारे पास में ए वेक्टर किस टाइप का होगा, 3t i कैप प्लस 4t³ j कैप, इस टाइप का होगा आपके पास, है तो दोनों टी के फंक्शन ना, तो इनको जीरो मत कर देना, ठीक है, जीरो नहीं होगा ये। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखिए, लिखिए डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे भाई, जैसा इसका लिखा वैसा इसका लिखेंगे, है ना, तो लिख लो इसको, लेकिन देखो डी ए वेक्टर, पहले तुम्हें क्या करना है, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में डॉट, ये ऐसे कैसे डॉट ही रहेगा, बी वेक्टर ऐसे कैसे, उसके बाद में प्लस ए वेक्टर ऐसे कैसे डॉट डी बी वैक्टर अपॉन डी टी, नेक्स्ट लिखो ए क्रॉस बी का, नेक्स्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी का डी अपॉन डी टी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, इसका लिखते हैं, तो कैसे लिखोगे भाई, ए वेक्टर का कर दो पहले डी ए वेक्टर अपॉन डी टी और ये क्रॉस ऐसे कैसे, फिर प्लस ए वेक्टर ऐसे कैसे क्रॉस डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, अच्छा इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बीच में प्लस है, लिख सकते हैं ये तो, है ना, इसको चाहे पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, बात एक ही है, हाँ इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना, फिर तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा,
क्योंकि कभी भी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इस पूरे को तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, बीच में प्लस ही तो है, कोई डिफरेंस नहीं आया। डॉट हो गया, क्रॉस हो गया, दो वेक्टर्स का, थ्री वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस लिखते हैं, ठीक है। जैसे डी अपॉन डी टी, अब इसका डॉट लिखना है किसका, थ्री वेक्टर्स का, तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट, मतलब ये स्केलर फॉर्म है, तो थ्री वेक्टर्स का जैसे होता है, कैसे होता है, पहले एक वेक्टर, एक के रेस्पेक्ट में किया, दो को कॉन्स्टेंट रखा, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में किया, पहले और तीसरे को कॉन्स्टेंट रखा, वैसे ही होगा। तो कैसे करोगे इसका, डी ए वैक्टर अपॉन डी टी डॉट और यहां पे बी क्रॉस सी, ऐसा ही होगा। उसके बाद बताओ भाई नेक्स्ट, प्लस ए वैक्टर ऐसे के ऐसे डॉट, अब किसका होगा, डी बी वैक्टर और यहां पे सी वैक्टर, ऐसा ही होगा। अब सी वेक्टर का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी, ये लीजिए। जल्दी से ए क्रॉस बी क्रॉस सी का बता दो, सेवन नंबर लिखो, सेवंथ नंबर लिखिए, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कैसे होगा भाई, सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में बता दो एंड बी क्रॉस सी तुम्हारे पास एज इट इज रहेंगे, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी के रेस्पेक्ट में बता दो, ए और सी आपके पास एज इट इज रहेंगे, उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी सी अपॉन, ये चलो एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, नेट जून 2020, यानी कि जो नवंबर में एग्जाम हुआ था जून वाला, उसमें पूछा हुआ था, लिखिए, टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स, टू टाइम डिपेंडेंट non-zero vectors u and v, u vector and v vector, which are not initially parallel to each other, initially parallel to each other, satisfy u vector cross dv upon mid dt minus v vector cross डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये आपको गिवन है, एट ऑल टाइम टी इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by u vector and v vector b at and the unit normal vector unit normal vector to it b n cap t then ऑप्शन ए आपके पास है ए टी इंक्रीजेस लीनियरली विथ टी बट एन टी इज ए कॉन्स्टेंट बट एन कैप टी इज ए कॉन्स्टेंट ठीक है भाई ऑप्शन बी लिखिए ए टी इंक्रीजेस लीनियरली विथ टी ये तो तुम्हारे पास ऐसे कैसे रहेगा ठीक है and n cap t rotate about u vector t cross v vector t option c AT is a constant but n cap t rotate about u cross v ठीक फोर्थ ऑप्शन लिखिए AT and N cap T are constants ठीक ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट के अंदर देखो अच्छे से एक बार क्वेश्चन टफ नहीं है बस ध्यान से पढ़ो एक बार जो जैसा जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ ठीक है जैसा जैसा आपसे बोला जा रहा है वैसे करते जाओ कामश्री हो जाओ ऑप्शन डी बता रही हैं भाई देखो डी ठीक है क्या
कौन सा ऑप्शन हुआ है? डी आ रहा है क्या हुआ? देखो इधर देखो ध्यान से क्या बोल रहा है आपको, टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स यूटी एंड वीटी विच आर नॉट इनिशियली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल नहीं है तुम्हारे पास में ना, वो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू वेक्टर टी क्रॉस वी वेक्टर टी क्या होगा, इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो? अगर पैरेलल होते तो थीटा बराबर जीरो होता, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट साइन जीरो जीरो होता है, बट नॉट पैरेलल बोला, नॉट इक्वल टू जीरो। आगे क्या बोल रहा है कि ये आपको इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं एट ऑल टाइम टी। ये बोल रहा है इनिशियली, तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास में एट टी बराबर जीरो में लिख सकता हूं इसको, है ना? इसका मतलब यही हुआ। आगे बोल रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है एट ऑल टाइम टी इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय यूटी एंड वीटी बी एटी, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया जो कि यूटी और वीटी से बनाया गया है वो क्या है तुम्हारे पास, एटी। मुझे जल्दी से बता दो पैरेललोग्राम का एरिया कितना लिखूंगा मैं? हाँ यस, पैरेललोग्राम का एरिया जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा यू टी क्रॉस वी टी और इतना ही या फिर इसका मोड भी आएगा, ये सबका क्लियर है। चलिए आगे बोल रहा है एटी एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू इट, यानी कि इसका तुम्हारे पास वेक्टर मिलेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, क्या होगा तुम्हारे पास में, कॉन्स्टेंट होगा, वेरी करेगा टाइम के साथ में, ये पूछ रहा है। अच्छा तुम्हारे पास देखो एक इक्वेशन दे रखी है, देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाला इक्वेशन है ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, एक बार बोल देना आप क्या है, क्या भाई इक्वेशन, यू क्रॉस डी वी अपॉन में डी टी माइनस वी क्रॉस डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, ठीक। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यू क्रॉस डी वी अपॉन डी टी, ठीक, प्लस डी यू अपॉन डी टी क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, माइनस बाहर आएगा उसको प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास में, है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक। अच्छा अभी मैंने बताया था ये तुम्हारे पास में है और एक ये है, बीच में प्लस है तो इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत किसी को, डी यू अपॉन डी टी क्रॉस बी वैक्टर प्लस यू वैक्टर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ ऐसा। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डी अपॉन डी टी ठीक। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास में, U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर आपके पास क्या हो गया भाई, किसी मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन F है फॉर एग्जाम्पल, या वेक्टर मान लो RT तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब R क्या है कॉन्स्टेंट, ये डिफ्रेंशिएशन जीरो है इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारे पास। अच्छा इससे मिलने वाला तुम्हारे पास क्या मिलेगा, इससे मिलेगा जो, इससे फाइनली जो मिलेगा ये, इससे दो चीज़ें मिलेगी, एक तो क्या मिलेगी इसका मैग्नीट्यूड और एक क्या मिलेगा इसकी डायरेक्शन। अच्छा ये वेक्टर ही पूरा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगी इसकी कॉन्स्टेंट रहेगी। अच्छा ये किसको बताता है, अभी अभी आपने लिखा दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये एरिया भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है और उसकी डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट रहने वाली है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है तो क्वेश्चन ओनली थ्योरी बेस बना दिया बस, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि आता ही नहीं है, कहाँ लीनियरली वेरी कर रहा है, कहाँ पे कॉन्स्टेंट, क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट उसको अप्रोच एक बार करना, ट्राई करना तो बनेगा क्वेश्चन तुमसे। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज में आई ना, ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और वो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलो नेक्स्ट लिखो, इसमें ये नोट कर रहे हो, करो इसको जल्दी से।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए फिजिकल, लिखिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंस। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंस। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है आपके पास? ठीक, चलिए लिखिए इसके अंदर, इस लाइन से लिखो, लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व सी, लेट ए पार्टिकल moves along the curve C, along the curve C in space and P and Q B, in space and P and Q, P and Q be its position at time T, be its position at time t and t plus delta t, t and t plus delta t respectively. ठीक, let rt and rt plus t, देखो let RT and RT plus delta T, T plus delta T be the position vectors of point, P and Q. ठीक, तो देखो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन है, x y दिस इज z, x y z। ठीक, मान लेता हूं यहां पे मेरे पास में एक कर्व है, जैसा कि बोला गया क्वेश्चन के अंदर, c कोई कर्व है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, अलोंग द कर्व सी इन द स्पेस एंड पी क्यू बी इट्स पोजिशन एट टाइम टी। मान लेता हूं ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास पी है और ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्यू है, ठीक है। और ये किस टाइम के ऊपर है तुम्हारे पास में, टी टाइम के ऊपर है, और ये टी प्लस डेल्टा टी। बोल रहा है इसका जो पोजिशन वैक्टर है पी का वो कितना है तुम्हारे पास में, आर टी, और इसका पोजिशन वैक्टर तुम्हारे पास कितना है, आर टी प्लस डेल्टा टी। दिस इज पोजिशन वैक्टर, ये लीजिए, बना लीजिए। ठीक, मतलब कुल मिला के कुछ इस तरह से करो बन रहा है, देखो ये कुछ इस तरह से तुम्हारे पास में ऐसे इस टाइप का है ना, ऐसे तुम्हारे पास पहले कहां पे था, टी टाइम पे यहां पे था, और फिर बाद में डेल्टा टी टाइम बाद में वो यहां पे चला गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना होगा भाई बताइए, ये तुम्हारे पास कितना होगा, दिस, ये कितना होगा, दिस इज, ये कितना होगा तुम्हारे पास में, लिख लो डेल्टा आर वेक्टर, दिस इज डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा, देखो इधर ध्यान से, एक लो मैंने आपको पढ़ाया होगा वेक्टर एडिशन लो, ठीक है, जिसको ट्रायंगल रूल भी बोलते हैं, कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। कहने का मतलब आर टी प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी, है ना। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि काम आएगा, आर टी प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी। ये समझ में आया, वेक्टर एडिशन लो, सिंपली यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, वो किसके बराबर होगा, यहां से यहां, तो यहां से तुम्हारे पास डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो,
देखो यहाँ नीचे लाइन से हेयर, देखो नीचे लाइन से लिखो हेयर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये टी पॉइंट पे है, ये टी प्लस डेल्टा टी पॉइंट पे है, तो ये कितना बचा तुम्हारे पास में, डेल्टा टी बचा, तो लिखो हेयर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टेड, इज डायरेक्टेड अलोंग द कॉर्ड पी क्यू, अलोंग कॉर्ड पी क्यू मतलब P से Q, ये होगा तुम्हारे पास में, चेक कर लो चाहे मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो T प्लस डेल्टा T माइनस T, तो तुम्हारे पास डेल्टा T ही बचेगा, तो यहां से यहां पे जाएंगे तो तुम्हारे पास इस डेल्टा R में चेंज होगा डेल्टा T के साथ में, और वो किस तरफ होगा, P से Q की तरफ होगा तुम्हारे पास, है ना, यही बोल रहा है अलोंग P टू टू Q। तो नीचे लाइन से लिखो लिमिट, नीचे लाइन से लिखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं लिख सकता हूं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी विल बी डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, विल बी डायरेक्टेड along the tangent, will be directed along the tangent of the curve C, of curve C at point P, at point P, ये नोट करो, इसका मतलब समझ में आया भाई नहीं आया, चलो समझते हैं, देखो ये नोट कर लीजिएगा, इसमें एक चीज नीचे नोट करके और लिखो, फिर इसको समझते हैं, देखो एक चीज नीचे नोट करके और लिखो, लिखिए लिखिए डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, कुल मिला के बात ये है, पहला पॉइंट लिखो डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी ये है टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी, इसको बोला जाता है टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी, टू द कर्व सी, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी, ठीक है, लिखो एंड डायरेक्शन ऑफ कर्व, सेकेंड लिखो डायरेक्शन ऑफ कर्व, हाँ भाई बताओ मुझे जल्दी से बताओ, मुझे इस कर्व का डायरेक्शन लेना है, तो क्या करते हो तुम, क्या करते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस पूरे में यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये तुम्हारे पास स्टार्टिंग में ये कर्व था, ठीक है, पॉइंट पी था पॉइंट क्यू था, तो यहाँ पे मैंने इसको इससे मिलाया, इसको मैंने बोला था डेल्टा आर वेक्टर, ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में, मैं बोल रहा हूँ जब ये तुम्हारे पास डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो कर्व तुम्हारे पास बिल्कुल कम दिखेगा, तो ये जो तुमने ड्रॉ किया है जिसको मैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बोलूंगा, जिसको डी आर अपॉन डी टी बोलूंगा, वो तुम्हें सिंपली क्या दिखेगा, ऐसे इसके टेंजेंट दिखेगा तुम्हें, ठीक है, तो वही मैंने बोला कि ये जो डी आर अपॉन डी टी है, डी आर अपॉन डी टी कब बनेगा, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, जो मैं ऐसे कर्व ड्रॉ कर रहा हूं वो बिल्कुल स्मॉल कर दूं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो होना चाहिए, उस केस में आपको जो ये दिखेगा, ये क्या दिखेगा, इस कर्व के टेंजेंट दिखेगा, तो वही बोला है मैंने डी आर अपॉन डी टी क्या है, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, कोई एक वेक्टर आ गया तुम्हारे पास में, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे बताते हो, ए कैप से ही तो बताते हो, तो यहां पे इसका डायरेक्शन, अच्छा ए कैप किसके बराबर लिखते हो, बोलो जल्दी से ए कैप किसके बराबर लिखते हो, ए वेक्टर अपॉन में मोड ए, अच्छा यहां पे वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये वेक्टर है, मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, डी आर वैक्टर अपॉन, यही तुम्हारे पास है, ठीक है, तो लिखो सेकंड डायरेक्शन ऑफ कर्व इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व,
यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, जो टेंजेंट वेक्टर है ठीक है उसी का ही डायरेक्शन होगा तुम्हारे पास में, और लिखो एंड दैट इक्वल टू, लिखो एंड जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा एंड कैप के, जो कि होगा डी आर वैक्टर अपॉन डी टी अपॉन में डी आर वैक्टर अपॉन डी टी का मॉड्यूलस, ठीक है ये नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम में आपको ध्यान से सुनना है ठीक है, क्या कि टेंजेंट वेक्टर बोला है या यूनिट टेंजेंट वेक्टर बोला है। टेंजेंट वेक्टर बोलोगे तो सिंपली क्या निकालोगे तुम, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर बोलोगे तो उसके मॉड्यूलस से डिवाइड और करना। यूनिट वेक्टर ऐसे तो निकालते हो आप, ठीक है नोट कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना आप टीएफआर में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई चलिए, अब नीचे लाइन से लिखेंगे इसमें, चलो एक क्वेश्चन लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप, टी स्क्वायर आई कैप ठीक प्लस टू टी जे कैप प्लस टू माइनस टी क्यूब के कैप, है ना माइनस टी क्यूब के कैप, के कैप ठीक एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू, एट द पॉइंट t इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज, प्लस माइनस वन इज ऑप्शन ए लिखेंगे, कोस इनवर्स 3/17 ऑप्शन बी लिखिए, कोस इनवर्स 6/17 ऑप्शन सी लिखिए, कोस इनवर्स 9/17 ऑप्शन डी कॉस इनवर्स 11/17 ये लीजिए भाई, चार ऑप्शन है। जल्दी से बताओ मुझे एक बार लिखने से पहले, जल्दी से बताओ कि कोई दो वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको क्या लिखते हो ए बी कॉस थीटा, तो एंगल कैसे निकालते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी मतलब ए का मोड बी का मोड थीटा बराबर ही निकालते हो। तो तुम्हारे पास ये कोई कर्व दे रखा है ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर निकाल सकते हो आप, क्या क्या होगा टेंजेंट वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब मुझे दो वेक्टर चाहिए, एक तो क्या होगा t इज इक्वल टू प्लस वन पे, एक क्या होगा t इज इक्वल टू माइनस वन पे, एक को a वेक्टर बोलो दूसरे को b वेक्टर बोलो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओ आंसर आ जाएगा, करके देखो। क्या बात है श्यामश्री, जो ऑप्शन c बता रहे हैं देखो,
कौन सा आ रहा है? तो अगर मुझे कोई कर्व दे रखा है तो उसका टेंजेंट वेक्टर निकालना है, तो क्या करूंगा, सिंपली डी आर, जो भी आर दे रखा है, पी दे रखा है, अपॉन डी टी कर देना, जिस मतलब जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछ रहा है तो जो भी तुम्हारे पास टेंजेंट वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हारे पास ये जेस्ट में पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है जेस्ट में पूछा हुआ है। तो सिंपली क्या करोगे भाई, ये आपको कर्व दे रखा है तो यहां से क्या करोगे, सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2ti कैप प्लस 2j कैप माइनस 3t2k कैप। ठीक है, अब मेरे पास में क्या करूं मैं, पहला टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, एट t इज इक्वल टू प्लस वन। ठीक है, तो इस टेंजेंट वेक्टर को मैं बोलूंगा a वेक्टर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी, और t इज इक्वल टू वन पे इसके क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, सिमिलरली एट t इज इक्वल टू माइनस वन पे निकालना है। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहां से b वेक्टर आपके पास हो जाएगा डी आर वैक्टर अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ए वैक्टर आ गया, बी वैक्टर आ गया, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में ए बी। ठीक, एन के इसका मोड है, ए बी का मतलब मॉडल में है, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन में इसका मॉडुलस कितना होगा, 9 प्लस 4 प्लस 4 तो अंडर रूट 17, और इसका कितना होगा, अंडर रूट 17 ही होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बाई दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द वेक्टर डिफरेंस, मतलब कोई एक कर्व है, अगर उसका मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आफ्टर टाइम टी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है और अगर मैं उसका वेक्टर डिफरेंस लेता हूं तो क्या बताएगा, उस कर्व का टेंजेंट वेक्टर बताएगा। ठीक है, और अगर मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी है तो क्या बोलूंगा मैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जो कि उस वेक्टर जो भी आ रहा है उसका तुम्हें यूनिट वेक्टर लेना है। क्लियर है सबका, चले आगे, चलिए हेडिंग लिखिए, वेक्टर डिफरेंशिएटर ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। हेडिंग लिखेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेबला से। ठीक है, नोट कर लो, लिखो इसमें, इसमें सबसे पहले इसको मत लिखो, एक बार इसको मत लिखो, एक बार यहां पे लिख लो, इसको अलग से टॉपिक करके लिख लो, लिखो ग्रेडियंट, सिंपली मैं बोलूंगा ग्रेडियंट, और डेल, और इसको नेबला भी बोला जाता है, लिखो नेबला ऑपरेटर, नेबला ऑपरेटर। ठीक, तो लिखो इसके अंदर जो ग्रेडियंट होता है, डेल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, डेल अपॉन आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप।
ये लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, जल्दी से मुझे बताओ कि जो डेल है, डेल वेक्टर जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर है। कैसे? चलो अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो मुझे इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? वो एक सी वेक्टर मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ए वेक्टर प्लस नेबला करूंगा तो क्या मुझे सी वेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा, जबकि एक वेक्टर होने के लिए वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। कहीं फॉलो कर रहा है? नहीं है। कहाँ फॉलो कहाँ कर रहा है? इक्वल टू सी वेक्टर नहीं आएगा तुम्हारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में वेक्टर क्वांटिटी इंडिविजुअल रह सकती है, लेकिन कभी आपने देखा है कहीं पे ऑपरेटर इंडिविजुअल? डेल देखा है आपने? डेल नहीं देखा होगा, डेल साई देखा होगा, डेल आपने फाई देखा होगा। ठीक है, कभी भी इसको इंडिविजुअल आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, लिख लो दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज ए वेक्टर ऑपरेटर, This is a vector operator. This is a vector operator. ठीक है, जैसे तुम्हारे पास देखो, अगर ये vector quantity, vector quantity में क्या होता है, जैसे example अगर मैं लूँ, एक तो यही लिख लो, a vector plus b vector is equal to c vector, but a vector plus del vector is not equal to c vector. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो, नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, होता है नहीं होता? कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है, जबकि ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्या ये इक्वल होगा? क्या ये इक्वल होगा तुम्हारे पास में? कभी इक्वल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, डेल को क्या लिखूंगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, लिख सकता हूं ऐसा। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, तो कितना होगा ये ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, ये ए वाई डेल अपॉन डेल वाई, ए जेड डेल अपॉन डेल जेड, जबकि ये तुम्हारे पास कितना आएगा भाई, ये तुम्हारे पास कितना आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड, ऐसे ही आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल नहीं है? इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, पहली चीज तो ये। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से।
क्लियर है ये? चलिए अब मैंने डेल पढ़ लिया, तो डेल किस किस में पढ़ते हो आप, कहाँ कहाँ पे ऑपरेट होता है? हो सकता है डेल तुम्हारे पास किसी स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई हो सकता है ये डेल किसी वेक्टर क्वांटिटी के डॉट के साथ अप्लाई हो सकता है ये डेल तुम्हारे पास किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में क्रॉस के साथ अप्लाई हो, यानी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये पढ़ा होगा आपने, तो यही अपन पढ़ेंगे अभी, है ना? तो लिखो हेडिंग, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। हेडिंग लिखिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक? तो लिखो इसमें नीचे लाइन से, लिखिए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड स्केलर फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड, इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज देखो डेल फाई, जिसको अपन ग्रेडियंट फाई भी बोल देते हैं, है ना? ग्रेडियंट फाई, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक? जो कि क्या होता है, डेल लिख लोगे आप आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स करके ऐसे, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है? ये ऐसे मैथमेटिकली तुम्हारे पास डिफाइन होता है। अच्छा, ग्रेडियंट किस पे अप्लाई हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी पे? साफ साफ लिखा है स्केलर फंक्शन पे। और क्या मिल रहा है आपको, एक फाइनली देखो तुम्हारे पास डायरेक्शन में मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास फाइनली क्या मिलेगा एक, तो ध्यान रखना हमेशा ग्रेडियंट एक स्केलर पे अप्लाई होता है और फाइनल रिजल्ट तुम्हें जो है वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? चलिए अब हेडिंग लिखिए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो लिखो भाई इसमें एक तीन चार लाइनें लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, देखिए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड एट पॉइंट पी, फाई एक्स वाई जेड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। लिखो, इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एक्स वाई जेड विद डिस्टेंस फाई एक्स वाई जेड विद डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस,
along the normal to the surface defined by the equation defined by equation phi x y z is equal to c and direction is along and direction is along to the and direction is along to that surface along the normal to that surface है ना along the normal to that surface normal to that surface along the normal to that surface ठीक समझो भाई इसको समझो देखो मैंने क्या लिखवाया है कि मेरे पास में मान लो कोई एक सरफेस है ठीक है मेरे पास में कोई एक प्लेन है तुम्हारे पास में और प्लेन का इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास में फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी है ना ये स्केलर फंक्शन क्या रहता है उस प्लेन पे कॉन्स्टेंट रहेगा मान लो मेरे पास में ये मेरे पास कोई प्लेन है ठीक है दिस इज द प्लेन ये कोई प्लेन है और इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूं ठीक इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने क्या ले लिया पी ये ऐसा सरफेस है इस सरफेस के ऊपर फाई हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा अच्छा डेल फाई क्या बताता है बताओ जल्दी से डेल फाई क्या बताएगा तुम्हारे पास में अच्छा डेल फाई कैसी क्वांटिटी आएगी एक तो ये बोल रहा है कि डेल फाई जो होगा वो ऐसा आएगा तुम्हारे पास में एन कैप ये बोल रहा है अब समझो ये कैसे आएगा अच्छा डेल फाई अपॉन डेल एन का मतलब क्या है फाई का डिस्टेंस के साथ में चेंज होना ठीक है अब वो डिस्टेंस कैसी होगी नॉर्मल होगी क्यों होगी नॉर्मल क्योंकि जो सरफेस ले रखा है मैंने प्लेन जो ले रखा है ये क्या है कांस्टेंट है चाहे आप इस पॉइंट पे देखो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊंगा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फाई एक्स वाई जेड क्या है तुम्हारे पास में कांस्टेंट है तो अब डेल फाई क्या बता रहा है उसमें चेंज बता रहा है डिस्टेंस के साथ में बट यहां से यहां गया चेंज नहीं आया चेंज किधर आएगा फिर अलोंग द नॉर्मल चेंज आएगा तो मैं क्या करूंगा यहां से जब मैं इस फंक्शन ये जो प्लेन दे रखा है इसका फंक्शन दे रखा है इसके नॉर्मल जाऊंगा तो क्या होगा तुम्हारे पास चेंज होगा तो वही चेंज बता रहा है तुम्हारे पास में ग्रेडियंट और उसका डायरेक्शन किधर होगा तुम्हारे पास सरफेस के नॉर्मल तो जो भी तुम्हारे पास ये आएगा उसका क्या निकाल लेंगे हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे एन कैप तो वो उसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी ठीक है तो देखो यही बोला है यहां तुम्हारे पास कोई पॉइंट पी है ठीक है मैं इसका बिल्कुल एक नॉर्मल ले लेता हूं ठीक है ये तुम्हारे पास नॉर्मल है तो ये इस सरफेस का जो पॉइंट पी है इसके नॉर्मल कितना चेंज हो रहा है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई उस फंक्शन में चेंज बताएगा तुम्हारे पास में समझ में आया नहीं आया भाई जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो माइनस डेल फाई ठीक है तो ये यही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो फंक्शन फाई है अगर तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये क्या बताएगा उसके अलोंग द नॉर्मल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है माइनस यहां पे उसके डिक्रीमेंट को बताता है ना वो सब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे जब देखेंगे ठीक है तो ये बना लो डायग्राम बना लो एक दिस इज द नॉर्मल ये तुम्हारे पास नॉर्मल हो गया ठीक तो यहां पे लिख लेना कि जो डेल फाई होगा दैट इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इनटू में एन कैप ठीक ये तुम्हारे पास जो होगा दिस इज मैग्नीट्यूड दिस इज डायरेक्शन ठीक और ये जो एन है भाई एन ये क्या है तुम्हारे पास इसका मतलब क्या है जो चेंज आ रहा है फंक्शन में वो नॉर्मल ही आएगा ठीक है ऐसे चेंज तो है ही नहीं ना वो तो तुम्हारे पास कांस्टेंट प्लेन ही हो गया कांस्टेंट सरफेस हो गया चलो इसमें लिखो इसके अंदर तो कुल मिला के इसमें नोट करके ये लिख लो आप देखो एग्जाम में किस तरह से आएगा वो देखो नोट करके लिखो
पहली चीज, फर्स्ट चीज नोट करके लिखो, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, कोई आपको सरफेस दे रखा है, ठीक है, इफ सरफेस phi x y z इज इक्वल टू c इज गिवन, इज गिवन, देन इज गिवन, देन नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस लिख लो, क्या होगा नॉर्मल वेक्टर, क्या होगा आपके पास में नॉर्मल वेक्टर, दैट इज डेल फाई, नोट कर लीजिए, यही तो निकाला, कोई सरफेस फाई है इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास में, ग्रेडियंट ऑफ फाई, डेल फाई, वही मैंने लिखा है यहां पे, लिखो एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सेकंड करके लिखो, एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा आपके पास में, एंड कैप इज इक्वल टू इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डेल फाई अपॉन, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी को भाई, डेल फाई क्या है एक जल्दी से बताओ, कैसी क्वांटिटी है जिसको अपन नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, ए वेक्टर का मोड अपॉन में ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड, तो ये तुम्हारे पास इसको मैंने ए मान लिया, तो यहां पे ए वेक्टर मतलब डेल फाई, ए वेक्टर का मोड मतलब डेल फाई का मोड, ठीक है, ग्रेडियंट किसी हमेशा स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है, तो तुम्हें क्या मिलता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, तो एक क्वेश्चन लिखो इस पे, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एट 112, बताओ जल्दी से, एट 112 हो गया भाई, क्या आंसर आएगा, 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, यस। देखो सिंपली आपको ये सरफेस का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया, एक सी कॉन्स्टेंट हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, फाई बोल दिया, बोल सकता हूं ये तुम्हारे पास, फाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे बोल सकता हूं। अच्छा मुझे पूछा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो सबसे पहले क्या करूं, इसका क्या निकालू, डेल फाई निकाल लू, ठीक है, डेल फाई निकालू तो कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू यहां पे रखेंगे जब फाई में, तो कितना हो जाएगा,
टू एक्स आई कैप, यहाँ पे टू वाई जे कैप माइनस के कैप, ये होगा तुम्हारे पास। अच्छा ये क्या आ गया बता सकता है कोई? दिस इज नॉर्मल वेक्टर, है ना, बताया, देखो मैंने लिखवाया साफ साफ, ये तुम्हारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। अगर नॉर्मल वेक्टर पूछता तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाता। तुमसे क्या पूछा है? नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? एन कैप इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मोड, तो डेल फाई तुम्हारे पास ये रहा 2x। अच्छा पॉइंट पे पूछा है तो किसी, अच्छा पॉइंट पे निकाल लो भाई, डेल फाई किस पॉइंट के ऊपर पूछा है? 1, 1, 2, तो यानी कि x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2y कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब मुझे नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो सिंपली ये निकाल देंगे। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में इसका स्क्वायर 4 + 4 + 1 9√3, तो ये हो जाएगा 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप माइनस 1/3k कैप, दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक चले आगे, नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन जो कि TIFR 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए TIFR 2019, लिखिए भाई, कंसीडर द सरफेस डिफाइंड बाय, कंसीडर सरफेस डिफाइंड बाय ax square प्लस by square प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एंड कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स इफ n1 कैप एंड n2 कैप, इफ n1 कैप एंड n2 कैप आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स टू द सरफेस एट द पॉइंट्स, टू द सरफेस at the points xyz is equal to 1, 1, 0 and 0, 0, 1 and 0, 0, 1 respectively and m cap is a unit normal vector to both n1 cap and n2 cap, then m cap आपके पास क्या होगा? ऑप्शन ए लिखो, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन सी है 2ai कैप प्लस 2bj कैप माइनस सी के कैप अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन डी आपके पास है bi कैप माइनस ए जे कैप अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए भाई, चार ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, ये TFR 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? सी? हाँ, डी? डी, यस, वेरी गुड। आ गया शुभम, क्या दिक्कत हो, क्या हो रही है बताओ? देखो इधर, इधर देखो एक बार जल्दी से, आपको क्या बोल रहा है? कंसीडर सरफेस डिफाइंड बाय दिस। ये मेरे पास एक कोई सरफेस का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू,
और ये किसके बराबर मान लूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बताओ इतना। ठीक है, ऐसा ही करता आ रहे हैं अपन। आगे देखो क्या है, ये कॉन्स्टेंट बोल रहा है, बोल रहा है देखो, इफ एन वन कैप एंड एन टू कैप आर यूनिट नॉर्मल वैक्टर्स, नॉर्मल वैक्टर्स भी निकाल चुके हैं और यूनिट नॉर्मल वैक्टर भी निकाल चुके हैं, टू द सरफेस एट द पॉइंट, मतलब एक बार एन वन एन कैप निकालोगे और ये पॉइंट रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एन वन कैप, दोबारा से तुम्हारे पास ये वाले पॉइंट रखेंगे तो क्या बोलोगे उसको, एन टू कैप बोलोगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कि आपको इस सरफेस के यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स एन वन कैप एन टू कैप गिवन है जो कि तुम निकाल सकते हो यहां से। आगे बोल रहा है एन एम कैप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि इन दोनों के कैसा है, इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ एन वन एंड एन टू, मतलब एम कैप एक ऐसा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि इन दोनों के कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, तो एम कैप आपसे पूछा हुआ है क्या है। तो देखो कितना आसान तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, टू ए एक्स आई कैप प्लस टू बी वाई जे कैप प्लस सी के कैप, ये सबका क्लियर है, इसे क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। ठीक, नाउ अब मैं क्या निकालता हूं, देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है तुम्हारे पास में, ये होता है डेल फाई अपॉन में डेल फाई का मोड, दैट इज इक्वल टू एन कैप, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल रहा है। अब बोल रहा है कि एन वन तो वो होगा जिसमें पॉइंट्स क्या होंगे, वन वन जीरो, यहां पे भी लिख देता हूं मैं वन वन जीरो। तो देखो यहां पे डेल फाई तुमने निकाल लिया, एक्स की जगह वन, वाई की जगह वन, जेड की जगह जीरो रखो, कितना आएगा तुम्हारे पास, टू ए आई कैप प्लस टू बी जे कैप, और ये तुम्हारे पास जीरो कहां हो गया, प्लस सी के कैप, अपॉन में जो भी आएगा उसका क्या करें, मोड ले ले, तो कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये समझ में आया बताओ। सिमिलरली एन टू कैप भी निकालो, एन टू कैप क्या होगा, एन टू कैप आपके पास हो गया देखो डेल फाई अपॉन डेल फाई का मोड, और इस बार पॉइंट क्या रखोगे, जीरो जीरो वन, तो तुम्हारे पास देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहां पे क्या बचेगा, ओनली सी के कैप अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे बोल सकता हूं मैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, एन टू कैप आपके पास हो गया के कैप, ये सबका क्लियर है, समझना है यहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हैं उस सरफेस के, और एक तीसरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेता हूं मैं एम कैप जो कि एन वन कैप और एन टू कैप के नॉर्मल होगा, ये पूछा है, तो एम कैप क्या है, तो देखो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, एन वन कैप आ चुका है, ठीक है, एन टू कैप आ चुका है, ये तो के कैप के बराबर है, और एन वन कैप है टू ए आई कैप प्लस टू बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन में जो भी है अनुरूप में वो लिख लेना, यही है तुम्हारे पास। अब ये बोल रहा है कि एम कैप बताओ क्या होगा, अगर एम कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू एन वन कैप है, और एम कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू एन टू कैप है, ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारे पास, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास कितना होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारे पास, जीरो। ये समझ में आया नहीं आया बताओ, आ गया। अच्छा एम कैप पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, एम कैप ही तो है भाई, तुमसे एम कैप पूछ रहा है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुम्हें एम कैप तुम्हें गिवन है ऑलरेडी, अब तुम चेक करो किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, किसका चेक करना आसान रहेगा, एन वन का या एन टू का, एन टू का, क्योंकि एन टू में ओनली के कैप ही है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑप्शंस जिसमें के कैप प्रेजेंट ना हो, है ना, जैसे देखो तुम्हारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा मैं इससे, किससे, इससे करवाऊंगा, ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन का इससे मैं अगर करवाऊंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए, तो के कैप
डॉट आई कैप कितना होगा? जीरो। के कैप डॉट जे कैप कितना होगा? इसका मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी में आओ, क्या ऑप्शन बी जीरो बनाएगा? नहीं बनाएगा, देखो, क्योंकि के कैप को आई कैप जे कैप से करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन के कैप को जब के कैप से करेंगे तो कितना आएगा? सी अपॉन कुछ आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी तुम्हारे पास नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी देखो के कैप है क्या, तो ऑप्शन सी भी तुम्हारे पास नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में के कैप प्रेजेंट है? नहीं है। तो के कैप का अगर आप आई कैप और जे कैप के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सी एंड डी ऑप्शन तो तुम्हारे पास में इनकरेक्ट हो गया। अब तुम्हें ए और बी में बचाना है, बी और सी, सॉरी बी एंड सी, ये तो तुम्हारे पास इनकरेक्ट हो गया। अब तुम्हें ए और डी में से बताना है। यहां तक समझ में आ गया? साफ साफ बोल रहा है कि जो एम कैप तुम्हें निकालना है वो दोनों के नॉर्मल है, एन वन कैप एन टू कैप। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो वही तो मैं चेक कर रहा हूं यहां पे, ठीक। अब मेरा इससे तो निकल गया, इससे मेरे पास में दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया है, बी एंड सी आपके पास ये नहीं हो सकते। अब ए और डी में चेक करना है, वो किससे देखेंगे? इससे देखेंगे, ठीक है, इससे चेक करेंगे। तो देखो यहां पे, इसका मैं इसके साथ ऑप्शन ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाता हूं तो जीरो आएगा। देखो आई कैप का आई कैप के साथ करवाओ कितना होगा? माइनस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए, माइनस है माइनस टू ए स्क्वायर। जे कैप का जे कैप से करेंगे तो माइनस टू बी स्क्वायर। तो जीरो आएगा क्या तुम्हारे पास में? नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन देखो, आई कैप का आई कैप के साथ करवाएंगे तो टू ए बी, ठीक है। जे कैप के साथ कराएंगे तो माइनस टू ए बी, ये तो तुम्हारे पास में जीरो होगा ही तीसरे वाले का। तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास? डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कर लो नोट क्वेश्चन में। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में सिंपली ऐसा बोला गया है, एक सरफेस का इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है उस सरफेस के लिए दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन वन कैप और एन टू कैप। तो सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, एन वन कैप पहला पॉइंट रखो तो एन वन कैप आ जाएगा, दूसरा पॉइंट रखेंगे तो एन टू कैप आ जाएगा। सिंपल ही हो गया। अब बोल रहा है तीसरा एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एम कैप, जो कि दोनों के क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करना है मतलब वो कहां पे गिवन है? ऑप्शंस में गिवन है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो एम कैप का एन वन के साथ जीरो दिखा दो, एन टू के साथ जीरो दिखा दो, जो दोनों के साथ जीरो होगा वो तुम्हारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करें भाई, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर। लिखिए हेडिंग, हेडिंग लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ हेडिंग लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द टॉपिक, ठीक है। मतलब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है किसी स्केलर फंक्शन का, ठीक। चलिए देखिए, मेरे पास सिमिलरली जो पहले अपन ने देखा, एक मेरे पास कोई एक सरफेस है, ये सरफेस का इक्वेशन जो है, प्लेन का इक्वेशन है वो है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये मेरे पास में कोई, समझना भाई इसको, है ना, ये मेरे पास में कोई एक सरफेस का इक्वेशन है, है ना। चलिए इसके ऊपर मैं यहां पे कोई पॉइंट पी लेता हूं, ठीक। इस
पॉइंट पी का अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालता हूँ तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसके नॉर्मल, ये अपन ने देख लिया। तो मान लेता हूँ इसकी डायरेक्शन तुम्हारे पास यहाँ पे है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इस बार जो ये ए वेक्टर है ना, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने बोला आपको कि ये मेरे पास प्लेन है जो कि ये कांस्टेंट है ना, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूं तो क्या है तुम्हारे पास में, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पास क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। ये नॉर्मल, ये मैंने निकाल लिया ग्रेड फाइव। अब कोई जरूरी थोड़ी मैं ऐसे ही चलूं, हो सकता है कि तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास सिंपल ये नॉर्मल हो गया। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास इस तरह से चलूंगा तो भी क्या करेगा, वो वेरी करेगा ना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसकी डायरेक्शन में कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए। इसकी डायरेक्शन में कर रहा है, मान लो ये बी मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग बी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेता हूं, एक डायरेक्शन लेता हूं ए वेक्टर जो कि नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसकी डायरेक्शन में, समझ में आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, यहाँ पे स्केलर फंक्शन दे रखा है जो यहाँ पे इस सरफेस पे कांस्टेंट है, अलोंग द नॉर्मल मैंने निकाल लिया जिसको अपन ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलते हैं, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। अब मैं उस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको मैंने क्या बोला है, ए वेक्टर। तो ये तो प्लेन के नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसके अलोंग ए डायरेक्शन हो गया, जो कि इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल। लिख लो जल्दी, ये बना लो जल्दी से। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई भी एक आर्बिटरी डायरेक्शन है, आर्बिटरी डायरेक्शन, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, उस फंक्शन का डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन along the direction of that arbitrary direction a के साथ में, ठीक है। तो लिखो इसमें directional derivative of scalar function, directional derivative of scalar function phi x y z, directional derivative of scalar function phi x y z along the direction of a vector, along the direction of a vector represent the rate of change of phi x y z with distance along phi x y z with distance along direction of a vector, ठीक। तो देखो सिंपली डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, डी किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिख लो डेल फाई एट पॉइंट पी, ठीक है ना, डॉट जिस डायरेक्शन में पूछेगा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। वो डायरेक्शन आपको गिवन होगी, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो भी डेल फाई आएगा उससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आपके पास में डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। नोट करो ये, ठीक है। ये आपके पास होता है, इसको बोला जाता है, इसको बोलेंगे, लिखो कंपोनेंट ऑफ डेल फाई पी, या एक काम करो इस कंप्लीट को अपन बोलेंगे। देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो आपके पास क्या आएगा भाई, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा
इसको और आगे सोल्व करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, डेल फाई पी का मोड, ए कैप का मोड, और यहां पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मोड कितना आएगा तुम्हारे पास, वन। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल फाई पी का मोड, और यहां पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग दिस डायरेक्शन। तो जस्ट ये क्या बताता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है अलोंग नॉर्मल उसका कंपोनेंट बता रहा है भाई, ये दो कंपोनेंट में टूटेगा ना, जिसके साथ बनाएगा उसको कोस थीटा बोलेंगे, इसके परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया ना तुम्हारे पास में कोस थीटा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, लिखो कंपोनेंट ऑफ डेल फाई पी अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ डेल फाई पी अलोंग ए वेक्टर डायरेक्शन, ए डायरेक्शन। ये क्लियर है सबका, सिंपल सा देखो कोई क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, देख लो आपके पास कोई फंक्शन होगा फाई, स्केलर फंक्शन होगा, बोलेगा इस स्केलर फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो किस डायरेक्शन के अंदर, ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, ऐसे बोलेगा। और क्या गिवन होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, ये आपको सिंपली गिवन होगा। तो क्या करोगे आप, इस फंक्शन का डेल फाई निकालो, निकाल सकते हो आराम से, कोई पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट पे निकाल लेना, उसके बाद में डॉट इसका क्या निकालोगे, ए कैप, ए कैप कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये सिंपली पूछेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नीचे लाइन से लिखो इसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नीचे लाइन से नोट करके लिख लो, पहला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, थीटा बराबर जीरो पे, और थीटा बराबर जीरो कहाँ पे होगा, अलोंग द नॉर्मल। देखो यहाँ पे साफ साफ तुम्हारे पास ऐसा कोई सरफेस था, ये पॉइंट पी था, ये मान लेता हूँ तुम्हारे पास में नॉर्मल हो गया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, और ये तुम्हारे पास में क्या था, थीटा एंगल था, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर था, तो इस डायरेक्शन में मैंने निकाल लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू आए, तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, कोस थीटा, कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, थीटा बराबर जीरो पे, तो इसका जो एंगल जो ये बना रहा है तो इसको कहाँ पे ले जाऊँ मैं, अलोंग नॉर्मल ले जाऊँ, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो लिखो इसमें नीचे लाइन से, लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर अलोंग द नॉर्मल, या डायरेक्ट लिख लो अलोंग द नॉर्मल, ऐसे लिख लो अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, बिकॉज थीटा तुम्हें कितना लेना है जीरो, और कॉस जीरो आपके पास मैक्सिमम होता है, कॉस जीरो आपके पास मैक्सिमम होता है, तो लिख लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये सिंपली आपके पास हो जाएगा डेल फाई पी का मोड, ठीक है, थीटा बराबर क्या लिया है मैंने जीरो डिग्री, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिनिमम के लिए क्या करेंगे भाई, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, थीटा बराबर 180, माइनस में होती है ना कोस की वैल्यू, तो माइनस से प्लस वन होती है ना तुम्हारे पास में, तो 180, तो ये हो जाएगा माइनस, नोट कर लीजिएगा इस केस में थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कोस 180 होता है माइनस वन, ठीक। तो जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए,
लिखिए भाई, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइ इज इक्वल टू, फाइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड एट द पॉइंट 1 टू माइनस 1, एट द पॉइंट 1 टू माइनस 1, 1 टू माइनस 1 इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ लिख लो, ए वैक्टर इज इक्वल टू, ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप विल बी, विल बी, विल बी, ऑप्शन ए लिखो, 1 3 7 by 3 5 by 3. ऑप्शन ए बता रहे हैं भाई, देखो यस, कौन सा आ रहा है डी, नहीं आ रहा, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई, कितना आसान क्वेश्चन है, बोला डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा, डेल फाई किस पॉइंट के ऊपर, 1 2 माइनस 1 डॉट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको ए वेक्टर है, इसको मैं क्या बोल लूंगा, ए कैप, ठीक, तो पहले मुझे डेल फाई निकालना पड़ेगा, तो अलग से मैं डेल फाई निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, देखो इधर अब ध्यान रखना, अभी तक तो क्या था, जितने भी मैंने स्केलर फंक्शन लिए थे, एक्स वाला अलग है, वाई वाला अलग है, जेड वाला अलग है, ठीक है, इसमें मिक्सिंग है ध्यान रखना, तो जब इसका डेल फाई निकालेंगे तो क्या लिखते हो आप, इसको क्या लिखते हो, डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप, ठीक है, ऐसे लिखते हो, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड फाई के कैप, ऐसे लिखते हो, तो तब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, 2xy प्लस जेड, क्योंकि फाई में यहां पे पूरे में दोनों जगह एक्स है ना, तो ये हो जाएगा आई कैप, उसके बाद में वाई के रेस्पेक्ट में ओनली यहां पे है एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में एक्स के कैप, तुम्हें निकालना है डेल फाई एट पॉइंट 1 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 1 रखो एक्स की जगह और वाई की जगह 2 रखो और जेड की जगह माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 3 आई कैप, एक्स स्क्वायर 1 रखना है तो 1 यानी कि जे कैप और यहां पे एक्स मतलब प्लस के कैप, ये तुम्हारे पास आ गया डेल फाई एट दिस पॉइंट, ठीक है, जब ये आ गया तो ये वैल्यू यहां पे रखो, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल फाई 1 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप डॉट इसका ए कैप निकालो तो कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 8+8+1 9 का रूट 3। तो ये हो जाएगा, पहले डॉट प्रोडक्ट करो कितना हो जाएगा 6 -2+1/3 तो 5/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम पूछता तो, अगर तुमसे पूछता कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो तो कितना आंसर आता, आंसर बताओ ना, 5/3। 5/3 कैसे आएगा भाई, अंडर रूट 11। यस, देखो अगर तुम्हें मैक्सिमम पूछता, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने बोला था मैक्सिमम आपके पास क्या होता है, डेल फाई, जिस भी पॉइंट पे आपके पास पूछ रहा है तो डेल फाई तो आपने निकाल ही लिया, इसका सिंपली क्या लेना है तुम्हें, मोड लेना है। तो कैसे निकालोगे 9+1+1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 11। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखे जो कि अपन कल देखेंगे, हेडिंग लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्ले टू एनी सरफेस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी यहां से CSIR नेट में, TIFR में, ठीक, जेस्ट में, IIT जैम में, इन सब में क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन कल देखेंगे भाई, ठीक है। इसमें सिंपली तुम्हें क्या करेगा, एक सरफेस का इक्वेशन देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस, एक सरफेस का इक्वेशन देगा, वही फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टाइप का, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास सिंपली देखो, इधर देखो, समझ लो भाई इसको थोड़ा सा, देखो मान लो तुम्हारे पास ये कोई सरफेस इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारे पास कोई सरफेस है और सिंपली कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से इसके ऊपर सिंपली मैं एक प्लेन ड्रॉ करूंगा, है ना, टेंजेंट प्लेन, ठीक है। जैसे इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं एक काम करना, जैसे मेरे पास एक स्फीयर है मान लो, है ना, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर दिख रहा है तुम्हें, ये दिख तो सर्किल रहा है लेकिन तुम्हें कंसिडर करना स्फीयर है, जैसे फुटबॉल है तुम्हारे पास, है ना, अभी तुम्हें टू डायमेंशन में है। अब जैसे तुम्हारे पास ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तरह से स्फीयर बनेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे मान लो प्लेन ड्रॉ करना है इसके टेंजेंट के ऊपर, तो कैसे करूँगा, कैसे करूंगा, कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, मतलब तुम्हारे पास ये कोई स्फेयर है उस पर प्लेन ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा सिंपली, तो ये तुम्हारे पास कुछ उस तरह से ही है, ये स्फेयर तुम्हारे पास कुछ उस तरह से है और ये प्लेन ऐसे है, इसके प्लेन समझ में आ रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ये अपन देखेंगे कल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, सिंपली मैं लिख दूंगा यहां पे कि आपके पास जो भी फाई होगा सरफेस उसका डेल फाई निकालो, ठीक है, डॉट एक पॉइंट तुम्हें गिवन होगा बस, और कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो उस पॉइंट मान लो तुम्हारे पास इस सरफेस में कोई पॉइंट गिवन है और एक मैंने आर्बिटरी पॉइंट मान लिया, ये पी है, ये क्यू है, ये भी इसके अंदर ही है, सरफेस के अंदर ही है, तो पी क्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से, तो डॉट तुम्हें क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, बस होगा क्या जीरो, जीरो होगा, क्यों होगा जीरो, क्योंकि पी क्यू तो उस सरफेस में ही रहेगा और डेल फाई क्या होता है, आपने तो निकाला था उसका नॉर्मल होता है, तो एक दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा तुम्हारे पास में, वही तो मैंने किया है, ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस, उस सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन होता है। यहां से इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये अपन कल देखेंगे, कल अपना ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा,
ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, सॉरी डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा और कर्ल भी तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ग्रेडियंट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग पता लगा क्या है? जस्ट कोई भी तुम्हारे पास में कॉन्स्टेंट स्केलर फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट लेने का मतलब ये है कि उसके अलोंग द नॉर्मल कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द ग्रेडियंट। उसका डायरेक्शन क्या होगा? वही तुम्हारे पास अलोंग द नॉर्मल होगा। ठीक है, चलिए बाकी अपन कल देखते हैं। और बाकी जैसे ही तुम्हारा वेक्टर एलजेब्रा खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारा टेस्ट होगा वेक्टर एलजेब्रा का, वही लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जस्ट 45 मिनट का, एक घंटे का। उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो टीएफआर के नेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक,